नर्मदा सिंचाई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की मांग को लेकर निकाली गई जनाक्रोश बाइक रैली। बागली अनुविभाग के किसान लंबे समय से नर्मदा सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। नर्मदा काली सिंध सिंचाई योजना बागली विधानसभा क्षेत्र से निकलकर अन्य क्षेत्रों तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन बागली अनुविभाग के गांवों को छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर किसान लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं वर्तमान में बागली विधानसभा के किसानों द्वारा गांव में मशाल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर नेताओं का प्रवेश प्रतिबंध किया जा रहा है। सोमवार के दिन बागली अनुविभाग के 1000 से अधिक किसानों ने एकत्रित होकर बाइक से धाराजी तट से मां नर्मदा का जल भरकर बागली क्षेत्र के गांवों से निकलकर नगर कर्नावद में स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर यात्रा का समापन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो भारतीय किसान संघ ने ये जो बाइक रैली निकाली, जन आक्रोश रैली भी है, और नर्मदा का सिंचाई का पानी बागली हाटपिपलिया और उदयनगर के किसानों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए आज हमने धाराजी से लेकर पुंजापुरा पीपरी बागली हाटपिपलिया और करनाद में इसका समापन होगा। ये जन आक्रोश रैली है, जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्या किसान संघ की क्या मांग है? पूरा भारतीय किसान संघ की ये मांग है, जो हाटपिपलिया सिंचाई योजना मुख्यमंत्री ने पिछली बार अभी एक साल पहले सिद्धांतिक घोषणा कर दी थी, लेकिन उसकी जो स्वीकृति है उसको अभी तक नहीं दी जा रही है और ना टेंडर प्रक्रिया में उसको डाला जा रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि हर बागली के हर क्षेत्र, बागली विकास खंड के सभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अभी हमारा ग्राम मन अभियान चल रहा है। हमने सभी गाँव में राजनेताओं को प्रवेश निषेध कर दिया गया है। अगर अब फिर भी अगर मांग नहीं मानी गई तो हम पूरा वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे, और जो गांव में जो एजेंट वगैरह बैठते हैं उनको भी गांव में एक भी पोलिंग पे एजेंट नहीं बैठने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।